आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में। तो ये एक्ट बेसिकली रिवोल्ट ऑफ 1857 म्यूटिनी के बाद आया। इस म्यूटिनी से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज हो गया था कि हम इंडिया की पॉलिटिकल पावर किसी ट्रेडिंग कंपनी के हाथ में नहीं दे सकते, तो इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट क्राउन रूल को एस्टैब्लिश किया। अब क्राउन जो थे वो डायरेक्टली इंडियन अफेयर्स को कंट्रोल करेंगे थ्रू अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिनको एसेस करने के लिए 15 मेंबर की एडवाइजरी काउंसिल दी गई थी। अब जो फाइनल डिसीजन टेकिंग पावर थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास थी, जो डायरेक्टली क्राउन को रिपोर्ट करते थे। इसी के साथ जो ड्यूअल गवर्नमेंट थी उसको एबॉलिश कर दिया गया, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे और उन्हीं की जगह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लाया गया। जो गवर्नर जनरल थे उनको वॉइसराय ऑफ इंडिया बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग ऐसे पहले वॉइसराय बने। इसी के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम प्रिंसली स्टेट्स को इंडिपेंडेंट स्टेटस देंगे अगर वो हमारी पैरामाउंसी को एक्सेप्ट करते हैं। इसी के साथ पॉलिसीज जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स उसको एबॉलिश कर दिया गया। तो ये थे कुछ ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए द लेमैन में चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय।